गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ 9th क्लास मैथ सब्जेक्ट. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 18, दैट इज स्टैटिक्स. सो व्हाट इज स्टैटिक्स? स्टैटिक इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज कंसर्न्ड विद अ डाटा. डाटा इज अ सेट ऑफ कलेक्टेड न्यूमेरिकल फैक्ट, और वी कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, दैट इज नोन एज डाटा. ठीक है, उसको हमने सिस्टमेटिकल वे में अरेंज करना है. ठीक है, समराइज देन एनालाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा इज कलेक्टेड, देन वी विल ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू अ टेबल फॉर्म और एनी अदर वेज. देन वी विल प्रेजेंट द डाटा समराइज्ड एंड देन एनालाइज्ड, सो दैट कंक्लूजन मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन डाटा. दैट इज नोन एज स्टैटिक्स. सो बच्चे, अ क्वांटिटी विच कैन वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर इज कॉल्ड अ वेरिएबल. जो क्वांटिटी चेंज होती रहती है, दैट इज नॉट फिक्स, दैट इज नोन एज वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, एज एक्सेट्रा. ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल, अ वेरिएबल विच कैन बी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है विद अ सर्टन रेंज इज कॉल्ड अ कंटिन्यूस वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल हो गया, हाइट ऑफ चिल्ड्रन, ये क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है. जैसे हाइट ऑफ चिल्ड्रन, हाइट विल बी स्टॉप्ड एट सर्टन कंडीशन. ठीक है, हाइट विल बी स्टॉप्ड एट डिफरेंट एजेस. तो किसी ना किसी जगह पे स्टॉप हो गया, उसकी कुछ ना कुछ रेंज है, दैट इज नोन एज कंटिन्यूस वेरिएबल. देन डिसकंटिन्यूस और डिस्क्रीट वेरिएबल, अ वेरिएबल विच इज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग ऑल पॉसिबल न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल. जिसकी कोई भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, इफ योर फैमिली इज स्मॉल देन टू चिल्ड्रन कैन बी देयर, टू चिल्ड्रन कैन बी देयर. इफ योर फैमिली इज जॉइंट फैमिली, सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मे बी इंक्रीज. सो दैट टाइप ऑफ डाटा इज डिस्क्रीट वेरिएबल. देन रॉ एंड एरे डाटा, सपोज दीज मार्क्स आर गिवन ऑफ 50 स्टूडेंट्स, देन वी विल अरेंज द डाटा इन टू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. इट इज कॉल्ड एरेड डाटा, मीन्स इट इज प्रॉपरली अरेंज्ड. जब ये अरेंज नहीं है, समथिंग इज रिटन एनी वेयर, दैट इज नोन एज रॉ और अनग्रुप्ड डाटा. हेयर 18, 15, 23, एनी नंबर इज रिटन एनी वेयर, सो दिस इज नोन एज रॉ डाटा. जब इसको प्रॉपरली अरेंज करके लिखोगे, दैट डाटा इज नोन एज एरेड डाटा. ठीक है, टेबलर फॉर्म यू ऑलरेडी नो अबाउट, नो नीड टू टेल. देन नेक्स्ट वन इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी मीन्स फ्रीक्वेंसी, इट इज अ नंबर विच टेल्स हाउ मेनी टाइम्स डज अ पर्टिकुलर डाटा अपीयर. फॉर एग्जाम्पल इस डाटा में देखो, वन कितने टाइम आ रहा है? वन टू थ्री, थ्री टाइम्स आ गया. टू, वन टू थ्री फोर, सो टू इज फोर टाइम. तो टू फोर टाइम्स आया, तो फोर उसकी क्या बन गई? फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ टू इज फोर. आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. देन अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड, सपोज एनी नंबर इज रिटन हेयर, यू विल हैव टू चूज द नंबर, देन यू हैव टू काउंट की हाउ मैनी दिस नंबर इज अकर्ड हाउ मैनी टाइम्स, देन यू विल अरेंज इन अ टेबल. ओके, दिस इज नोन एज टेलीमार्क्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल में हम ऐसे इंटरवल्स बना लेते हैं, जैसे 1 टू 10, वी विल काउंट 1 टू 10. समटाइम्स इन मैनी केसेस वी विल नॉट काउंट 10, वी विल जस्ट काउंट फ्रॉम 1 टू 9 और 9.9, 10 इज नॉट इंक्लूडेड. सो हेयर 11 टू 20, तो नेक्स्ट जो ग्रुप है वो 11 से स्टार्ट हो गया, देन इन दिस ग्रुप वी विल काउंट 10. इसमें हमने 1 से लेके 10 तक सारे नंबर काउंट कर लेने हैं, 10 इंक्लूड होगा. ओके, 11 टू 20, तो इसमें 11 से 20 तक. ठीक है, दिस इज नोन एज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी
डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे 1 से लेके 10 तक बनाए हुए मार्क्स, ठीक है, 11 से 20, 21 टू 30, 31 टू 40, दिस इज अबाउट ऑल दिस टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है इस टेबल में, तो इसके टाइप्स है इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि जैसे ये इंक्लूड किया है तो दिस इज नोन एज इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। अगर 10 को इंक्लूड नहीं कर रहे हो दैट मीन्स इट इज एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो स्टूडेंट दिस इज ऑल फॉर टूडे, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।